वायदे छाड़ कर हमने कोशिश की निकाली कि जिन पर एतराज आता है ताकि जवाब देने का उत्साह ना मत आए जिस पर एतराज किया जाता है। एक और रिवायत उन्होंने कहा की जिसमें बड़ी संतोमत के साथ एतराज किया जाता है विदेश के साथ इंडिया के लिखा है ये शिर्क करते क्या शिर्क करते हैं उस रिवायत को नकल किया जाता है आज तक नकल किया जाता है। साहब ये कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद अली और फातिमा को खल्क किया उनके रूह को खल्क करने के बाद सारे उमूर इनके हवाले कर दिए जन्नत दौलत का मालिक बना दिया और जितने भी फैसले हैं बंदों के वो सब इनके हवाले कर दिए सारे इख्तियार मोहम्मद अली और फातिमा को दे दिए। फिर तंजल लिखते हैं कि जितना जमाना बढ़ता गया ये पिक इतनी बड़ी कि कोई शहर भी ऐसा नहीं बचा कि जहां माज अल्लाह जो एतराज किया कि ऐसा एक बुतखाना ना हो कि जहां मोहम्मद अली और फातिमा के बारे में यह अकीदा ठीक है ना कि एतराज है बड़ी संतोमत के साथ इसी को बुनियाद बना के कहा जाता है। याद रखिएगा आज जवाब जो दे रहा हूं महफूज रहना चाहिए आपके पास भूलिएगा नहीं ये जिंदगी ये वक्त ये लम्हात जाया करने के लिए नहीं है नियत कर लीजिए दिल में उतर जाएगा मतलब कभी भी नहीं भूलेंगे ठीक है ना। ये शिर्क तो लगाई हुई है और बाकी लोग बहकाते ये जवाब नहीं कि अल्लाह ने बनाने के बाद सारे इख्तियार दे दिए मोहम्मद अली और फातिमा को एतराज बता रहा हूँ मैं नहीं कह रहा एतराज ये का इसलिए ये बुतखाने जगह जगह बन गए यानी हमारी बारगाहों को क्या कहा ही नहीं तो बुतखाने बन गए गाँव गाँव में बन गए बल्कि कई एक एक शहर में कई कई बन गए शिर्क करते हैं कहते हैं कि सारा अख्तियार मोहम्मद के पास है कहते हैं सारा अख्तियार अली के पास है कहते हैं सारा अख्तियार फातिमा के पास है ये एतराज है मैं नहीं कह रहा मैं तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा हूँ मैं नहीं कह रहा मैं तो एतराज बता रहा हूँ मैं तो इसका मुंह तोड़ एक मुसलसल जवाब देने जा रहा हूँ आपको और वही से वो आज का मौजूद आज की हस्ती का मैंने जिक्र उसको बचा बचा के ऐसी तरह से जाहिल हूं ना क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बचा के चलना पड़ता है कि आखिरी दिन आखिर मुझे पढ़ना क्या है कि मौजूद भी ना टूटे और जिक्र भी उसी हस्ती का हो जिसका आप सुनना चाहते हैं ठीक है। तो आप पहले पूरी रिवायत सुन लीजिए कि पूरी रिवायत है क्या फिर नतीजा निकाल के दे देंगे आपको। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर अपनी जगताई में तन्हा था